नमस्कार दोस्तों, मैं अजय, आपका स्वागत है टेक गुरु जू में। दोस्तों चलिए आज देखते हैं किस तरह से हम जूम ऐप का यूज करते हैं और क्यों इतना पॉपुलर हुआ है इन कुछ दिनों में। तो चलिए, एक्चुअली इस कोरोना के वायरस के प्रकोप के कारण कंपनियां बंद होने की वजह से कंपनियों द्वारा दिए गए वर्क फ्रॉम होम आजकल कई ऐप्स के माध्यम से हो रही है। वो जूम ऐप्स भी इसमें आता है जो बहुत पॉपुलर है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम, काफ़ी चीज़ों के माध्यम से अभी मीटिंगें चल रही है। और आजकल स्कूलें भी बंद हैं तो जिस वजह से स्कूल के टीचर्स भी जूम ऐप्स के माध्यम से ही सारे बच्चों को पढ़ा रही है, जिस वजह से और ये ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है बच्चों के लिए। और इनमें एक साथ 100 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स इसमें है। और इसमें हम एक्चुअली बेस्ट एंड्रॉयड वीडियो मीटिंग सॉफ्टवेयर कहलाया है। इसमें हम स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर, ईमेल्स इत्यादि के माध्यम से अन्य अन्य भागों में हम इसको कर सकते हैं। और इसके इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिस वजह से इतना पॉपुलर हुआ है। चलिए देखते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर हम चलते हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो चलिए ओपन करते हैं जूम ऐप्स। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दी गई है, ज्वाइन मीटिंग, यदि आपके पास मीटिंग आईडी है तो आप उसे मीटिंग आईडी से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आके आप साइन अप भी कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो साइन अप कर सकते हैं, या आपके पास यदि आपको नहीं समझ में आता है साइन अप किस तरह से किया जाए तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है इसके, गूगल और फेसबुक के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे गूगल के साथ कनेक्ट करता हूँ अपना। गूगल के साथ कनेक्ट करने के बाद वो आपके सारे जीमेल आईडी को दिखाएगा जो 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 यहाँ पे है एक्टिवेट। तो मैं अपने टेक गुरु जी से मैं इसको लॉगिन करता हूँ अपना फर्स्ट। आपको कनेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा प्लीज वेरीफाई कंफर्मेशन डेट ऑफ बर्थ। तो मैं फिलहाल कुछ भी दे देता हूँ, दिसंबर 13 या 15 जो भी हो, 13 ईयर कुछ भी मैं दे देता हूँ, मान लीजिए 1997 में कुछ भी दे दिया एक। तो मैं इसको कंफर्म कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये बताया गया आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो ये अपना प्रोसेसिंग शुरू कर रहा है अभी। देख दोस्तों, आपको लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपका कुछ स्क्रीन दिखाएगा, इसमें कई सारे टूल्स है, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट न्यू मीटिंग, इसमें आप मीटिंग के दौरान आप अपने वीडियो को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, या किसी को अपने पर्सनल मीटिंग आईडी देने हैं पर्सनल मीटिंग के लिए, आप उसे भी एक्टिवेट करके इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ देना था ज्वाइन, ज्वाइन में आप किसी से किसी के साथ यदि आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं मीटिंग के लिए, उनका मीटिंग आईडी आप यहाँ प्रेस कीजिएगा, कुछ भी होगा अब उनका मीटिंग आईडी आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और यदि चाहते हैं कि मैं अपना ऑडियो उनके पास पहुंचाऊं तो ठीक है, वरना आप इसे डोंट कनेक्ट टू ऑडियो भी कर सकते हैं। देन आप आता है दोस्तों शेड्यूल, शेड्यूल में आप एक कोई डेट फिक्स कर सकते हैं कि मैं इस डेट में इनके साथ मीटिंग करने वाला हूं इतने बजे से इतने बजे तक। तो ये आपको उस वो आते ही आपको नॉक डाउन कर देगी, कि नॉक करेगी कि आपको आपका मीटिंग टाइम शुरू होने वाला है इतने से इतने बजे तक, आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले शेड्यूल मीटिंग पे। आप इसमें एक पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं, इस तरह से आप अपना पासवर्ड सेट करके उन्हें उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो कई सारे एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद भी आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे, ये सब करने के बाद सीधा डन पर क्लिक करके आप उसे सेव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन आप अपने शेयर की और क्रिएट कर सकते हैं, मीटिंग आईडी के थ्रू से आप अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। इस ऐप्स में ये बहुत अच्छी फीचर्स है जो बाकी ऐप से मुझे इस ऐप्स में बहुत अच्छा लगा। आप इसमें अपने कुछ भी आप कर रहे हैं तो उस स्क्रीन को आप शेयर कर सकते हैं आपके साथ जितने लोग कनेक्टेड है। तो करने के बाद सीधे ओके सिंपली कर दीजिएगा, तो इसके साथ आपका ये जो भी आप कीजिएगा वर्क अपने फोन पर वो शेयर हो जाएगा। तो नीचे और एक ऑप्शन है ऐड कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट के बाद आप इसे फोन के कॉन्टैक्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में नीचे में दिया हुआ है मीटिंग, मीटिंग में जाने के बाद अब स्टार्ट पे क्लिक करके मीटिंग आईडी है इनका जिनके साथ आप मीटिंग करना चाहते हो स्टार्ट करके उनके साथ मीटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, या जो आप सेंड इनविटेशन
यदि आप चाहते हैं कि मैं इस इनविटेशन को अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचाऊं, तो आप ईमेल, जीमेल, मैसेंजर, ये तीन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन दिया गया है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसे आप व्हाट्सएप पर या मैसेज के थ्रू से, अब जिस थ्रू से चाहे, आप इस कोड को भेज सकते हैं उनके पास ताकि वे कनेक्ट हो सके। यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ अपना जो पासवर्ड उसको एडिट कर सकते हैं, और जो आपका पर्सनल मीटिंग आईडी आप इसे भी आप एडिट कर सकते हैं। करने के बाद आप सीधे सिंपली सेव कीजिएगा तो आपका सारा ये सेव हो जाएगा। तो लास्ट में इधर और एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को यदि हम इनेबल करेंगे तो यहाँ फ़ोन नंबर मांग रहा है, हम कुछ भी फ़ोन नंबर इसमें दे देते हैं, देने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे तो ये मेरा फ़ोन नंबर को भी इसमें ऐड कर लेगा। लास्ट है सेटिंग, सेटिंग में आप देख ही रहे हैं टेक गुरुजी मेरे चैनल के नाम से मैंने लॉगिन किया था, यहाँ पे सारे चीज़ हैं। यहाँ चैट ऑप्शन में जाके आप कई सारे फीचर्स में दिए गए कि कीप ऑल अनरीड मैसेज ऑन टॉप, तो बहुत सारे इसको तो ऑन कर देंगे, जिस मैसेज को मैंने रीड नहीं किया वो सबसे टॉप पे मुझे दिखाएगा, तो 100 अनरीड मैसेज काउंट फॉर चैनल्स, यदि हम इसको ऑन करते हैं तो कितने सारे अनरीड मैसेज वो मेरा शो करेगा, इस तरह से देख रहे 1 2 3 4 5 6 करके, और इससे ज़्यादा होगा तो और इससे ज़्यादा शो करेगा। तो इस तरह से एक एक सेटअप और ये ऑप्शन दी गई है, आप इन सारे चीज़ों को, बहुत ही हेल्पफुल सेटिंग से ये मुझे लगता है इस ऐप्स में बहुत कुछ दिया गया जिसके थ्रू से, इसलिए इसी वजह से इतना पॉपुलर हो चुका है इन कुछ दिनों में, पहले तो था ये, अब और ज़्यादा हो चुका है इस लॉकडाउन में। अब अबाउट में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि इसका वर्जन क्या है 5.0.4, इसका यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, इसकी पॉलिसी भी आप चेक कर सकते हैं, बड़ा बहुत सारे फीचर्स इसमें दोस्तों जो आप यूज कर सकते हैं। तो मेनली ये कुछ फीचर्स थे इसमें, जो न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, मुझे इनमें सबसे अच्छा लगा कि आप बात करते करते आप अपने वॉइस को भी म्यूट कर सकते हैं, जिस वजह से एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों यदि इसमें लिमिट है 100 लोगों की, आप यदि 100 लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, यदि जिन लोगों को बात नहीं करना वे लोग भी अपने ऑन करके रखते हैं तो नॉइस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अपने इसमें फीचर्स के थ्रू से मैं अपने ऑडियो को ऑफ कर सकता हूँ, जिसके थ्रू से नॉइस कैंसलेशन एक एक करके कम होता जाएगा। सर यदि जो मीटिंग, जिसके साथ आप मीटिंग कीजिएगा, यदि उनको ज़रूरत पड़ती है आपकी आवाज़ सुनने के, तभी आप ऑन कीजिए, तो इस नॉइस इसमें ज़्यादा नहीं होता है। अब शेयर स्क्रीन, ये ऑप्शन में सबसे अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी मोबाइल पे कर रहे तो आप उस स्क्रीन को लाइव शेयर कर सकते हैं कई लोगों के साथ, तो ये दो फीचर्स मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा है दोस्तों, और ये बहुत ही हेल्पफुल ऐप है, इसलिए इतनी पॉपुलर हो चुका है कुछ दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।